NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी. दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बालेगांव ब्लास्ट से बेल पर रिहा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है. जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने साउथ के अभिनेता या साउथ के एक्टर कमल हसन के बयान को लेकर एक विवादित बयान दिया था. जैसा कि आपको पता होगा, उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं, देशभक्त थे और देशभक्त रहेंगे. उनको आतंकी कहने वाले लोग अपने गिरावान में झांक कर देखे और इस चुनाव में जनता उनको मुंहतोड़ जवाब भी देगी. तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना किनारा कर लिया है, या यूं कहें कि जब साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर लोगों की प्रतिक्रियाएं शुरू हुई तब भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ साफ कर लिया है. तो दरअसल अब आपको बता दें कि इस मामले को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने अपना बयान वापस लेते हुए माफ़ी भी मांगी. दरअसल आपको बता दें कि इस बयान को लेकर अभिनेत्री गौहर खान का गुस्सा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे फूटा है. जी हाँ, आपको बता दें कि गौहर खान ने एक ट्वीट किया है, उस पर लिखा है कि चलो बच्चों खुश हो जाओ, सॉरी बोल दिया, लेकिन फिर भी चुनाव तो लड़ेंगी. जी हाँ, इसको लेकर इसी ट्वीट को लेकर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी रिट्वीट किया है. दरअसल आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इससे पहले भी कई विवादित बयान दिए थे. जैसे कि आपको बता दें कि उन्होंने हेमंत करकरे को लेकर भी विवादित बयान दिया था और उस पर भी बीजेपी ने अपना पल्ला साफ कर लिया था. तो उसको लेकर भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को माफ़ी मांगनी पड़ी थी. दरअसल ये चुनावी दौर है और इस राजनीति में कौन कब किसका हो जाए और कौन कब किस पर जुबानी जंग तेज कर दे, इसका तो पता ही नहीं चलता. फिलहाल अब तक के लिए इतना ही. लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट.